So guys, let's discuss this question. Question is, market which has a few large firms. एक ऐसी मार्केट, हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं दैट इज अवर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसमें हम अलग अलग टाइप के मार्केट कंडीशंस के बारे में, सॉरी अलग अलग टाइप के मार्केट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड उन मार्केट्स में क्या क्या कंडीशंस, उन मार्केट के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये हम पढ़ रहे हैं। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बहुत सारी हमने टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ी है, जिसमें एक में तो सिंगल सेलर होता है, सिर्फ एक सिंगल सेलर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। एक ही सिंगल सेलर है, यही सारा सामान बना रहा है और यही मार्केट के अंदर बेच रहा है। दूसरी मार्केट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, एक में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। जनरली ये सेलर्स से ही डिस्टिंग्विश होती है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। एक में सिंगल सेलर होता है, एक में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस टाइप की दो होती हैं, परफेक्ट परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जो होती है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, सिंगल सेलर होता है मोनोपोली के अंदर। एंड एक और होती है जिसमें हमें, जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है, जिसमें होते हैं फ्यू सेलर्स, देर आर फ्यू लार्ज सेलर्स, उस वाली मार्केट को हम नाम देते हैं ओलिगोपोली, जिसमें बहुत कम सेलर्स होते हैं, दो या तीन, पांच या सात, इतने नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, एंड वही पूरे मार्केट को डिटरमाइन करते हैं। पूरे मार्केट के अंदर कंडीशंस को, उसके प्राइस को, उसकी सप्लाई को, सबको डिटरमाइन कौन कर रहा है, ये फ्यू सेलर्स डिटरमाइन कर रहे हैं। उस मार्केट कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हेयर।